तो कैसे हो सिंगल लोंडो, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल लेके सिंगल पर। मुझे बताया कि तुम में से बहुत सारे सिंगल है और जो नहीं है वो सब्सक्राइब करो और जो है वो लाइक करो। तो अब आते हैं मुद्दे पर। एसजीओ भाई का न्यू हिमलैंड का वीडियो आ गया है, तुम लोगों ने देख लिया? हाँ, मुझे बताया, मुझे देख लिया। मैंने बहुत वीडियो लेट बना रहा हूँ लेकिन तुम लोगों को कुछ अलग दिखाने वाला हूँ। मतलब मेरे पास तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि फलाना जी की टाइमिंग, दूसरा पॉइंट एक हिडन डिटेल है और तीसरा पॉइंट ये है कि ड्रीम बॉय और स्मार्टी बॉय और फलाना जी तीनों ने मिलकर ये कांड किया है लेकिन फिर भी ड्रीम बॉय ने एसजीओ भाई को बताया क्यों नहीं। देखो यार, वीडियो तो बहुत ही शानदार, लाजवाब, खतरनाक, मजेदार होने वाली है, इसलिए एंड तक देखना और चैनल को लाइक कर दो और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन, फलाना जी टाइमिंग। देखो यार, जब स्वाटी भाई इस मशीन को ऑन कर रहे होते हैं उस टाइम पर फर्स्ट वाइब्रेशन होती है और एसजीओ भाई की वीडियो में हमने इस मशीन की फर्स्ट वाइब्रेशन कब देखी, जब वो उस जंगलों के साथ उस पेड़ के ऊपर होते हैं। और स्वाटी भाई की वीडियो में जो टाइम होता है वो होता है 21 मिनट 12 सेकंड। और जब स्वाटी भाई और ड्रीम बॉय वहां से चले जाते हैं फिर वो होगलू की खोज के लिए वहां पर उस फलाना जी का पीछा करने के लिए आते हैं और उस टाइम पर जो टाइम हो रहा होता है वो होता है 26 मिनट 55 सेकंड, मतलब 27 मिनट, यानी कि वो लगभग 5-6 मिनट में वहां पर फिर से आ जाते हैं। उस टाइम पे वहां पर फलाना जी नहीं होता। और जब एसजीओ भाई की वीडियो में जब फर्स्ट टाइम पर वो वाइब्रेशन होती है उस टाइम पर जो टाइम हो रहा था उनकी वीडियो का वो होता है 8 मिनट या फिर लगभग 9 मिनट। फिर जब एसजीओ भाई उस जंगलों के साथ मिलकर वहां पर देखने के लिए जाते हैं उस टाइम पर फलाना वहीं पर होता है और जो टाइम हो रहा होता है वो होता है लगभग 13 मिनट। अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जब एसजीओ भाई उस जंगलों के साथ वहां पर चेक करने के लिए जाते हैं यानी कि फर्स्ट वाइब्रेशन के बाद जब वो वहां पर चेक करने के लिए जाते हैं तब उनको लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं। और स्मार्टी भाई की वीडियो में जब फर्स्ट वाइब्रेशन होती है उसके बाद जब वो होगलू के लिए उस फलाना जी का पीछा करने के लिए आते हैं उस टाइम पर उनको लगते हैं 4 से 5 से 6 मिनट। अब यहाँ पर बात यह आती है कि जब एसजीओ भाई की वीडियो में 4 मिनट के बाद फलाना जी उस टाइम पर वहीं पे था और उस रूप में था तो फिर स्मार्टी भाई की वीडियो में जब फर्स्ट वाइब्रेशन होती है उसके बाद वो फिर से आते हैं जिसमें लगते हैं लगभग 5 मिनट, तो उस टाइम पर फलाना जी वहां पर कहां था? और एसजीओ भाई उस टाइम पर जहां से चले जाते हैं फिर वो पता नहीं कितनी देर बाद आते हैं उस टाइम पर भी फलाना जी उसी रूप में वहीं पर वो खड़ा होता है और उनकी फाइट होती है लेकिन स्मार्टी भाई की वीडियो में जब स्मार्टी भाई उसे ढूंढने के लिए जाते हैं उस टाइम पर वो वहां पर नहीं होता है लेकिन वो उनको दूर जाकर मिलता है जहाँ पर वो होगलू के बदले उस दाइमा की वो डील कर रहे होते हैं। अब देखो यार, मेरे को जो समझ में आया मैंने तुम लोगों को बता दिया, अगर तुम्हें समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दो, सिर्फ यस लिख दो। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर टू, हिडन डिटेल। यहाँ पर एसजीओ भाई और फलाना जी के बीच में लड़ाई हो रही है। इस टाइम पर जब एसजीओ भाई पल करते हैं उस टाइम पर ये जो भी क्या बोलते हैं इसको आर्मर स्टैंड जो भी बोलते हैं ये कहाँ से आया, या तो ये हिडन डिटेल है या फिर ये आता होगा, मेरे को पूरा पता नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट में बता दो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री। अब जब एसजीओ भाई ड्रीम बॉय को बता रहे होते हैं कि मशीन फिर से चालू हो गई है और इसे जिसने चालू किया है वो तीन बंदे थे, फलाना जी और हिमलैंड का कोई एक लॉयल प्लेयर और एक जिसने बहुत ज्यादा टाइम ट्रेवल किया है, तो इस टाइम पर ड्रीम बॉय एसजीओ भाई को बता भी तो सकता था लेकिन उसने शायद इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वो बता देता कि मशीन हमने ही चालू की है तो इस वजह से एसजीओ भाई और उनके बीच में बहुत ज्यादा गलतफहमियां फिर से बढ़ जाती, तो शायद इसीलिए ड्रीम बॉय ने नहीं बताया। और तुम लोगों को जो भी लगता है कमेंट बता दो, बिंदास कमेंट पूरा पूरा खाली है, जो चाहो वो लिखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।